इंदौर में एक निजी शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में पहुंची फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद रहे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं मंत्री जीतू पटवारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलवामा आतंकी हमले पर दुख जताया। The mission of this Congress, save the environment and save Earth, is truly honorable, extremely commendable, and so very important and current in present times world over. It gives me immense happiness to hear about all the good work that is being done by this association and by each member putting in the efforts to make our world a better place. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कांग्रेस के इस मंच पर बैठे हैं और एक दुख इसलिए है कि हमारे देश पे इतना बड़ा हमला आज हुआ है, अटैक हुआ है। ये चुनौती है इस देश के सामने कि वो लोग जो इसको देश की ओर बड़ी आंखों से देखते हैं, खड़ी आंखों से देखते हैं, उनको जवाब देने का। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, हम सब भी खड़े हैं, आप सब भी खड़े हैं। इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी ही, पर हम सब भी ऐसा विचार जो सकारात्मकता का हो, सर्वधर्म संभाव का हो, भाई से भाई को मिलाने का हो, ऐसा वातावरण देश में हो कि प्रेम जिससे ज्यादा बहे,